हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, ये वीडियो है संडे के दिन का और इस वक्त मैं दोपहर का खाना बना रही थी। तो आज दोपहर के खाने में बन रही है दाल पूड़ी। बहुत सारे लोग इसको किसी और नाम से भी जानते होंगे, लेकिन मैं इसको दाल पूड़ी के नाम से जानती हूँ। तो ये है चने की दाल, जिसको मैंने उबाल लिया है कुकर में, और कुकर में सीटी वगैरह नहीं लगाई थी मैंने, ऐसे ही मैंने उबाला है इसको। और इसमें नमक वगैरह कुछ भी नहीं डाला है मैंने, ना ही नमक ना ही हल्दी, बस ज़्यादा पानी में इसको बॉयल कर लिया है इतना कि ये अच्छे से पक जाए। और फिर इसको मैंने जाली वाले बर्तन में छान करके रख दिया है। तो इसका जो पानी है वो अच्छे से निकल गया है और ये जो दाल है थोड़ी सी ठंडी हो गई है, मतलब नॉर्मल हो गई है। तो अब हम इसको पीसेंगे सिलबट्टे में। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। इस दाल पूरी की रेसिपी में ना लहसुन ज़्यादा मात्रा में डाली जाती है, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी लहसुन ले ली है और हरी मिर्च है। हरी मिर्च वैसे इतनी ज़्यादा तीखी नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ी ज़्यादा ही ली है। और है अदरक। तो इन सारी चीज़ों को मैं इसी सिलबट्टे में ही पीसूँगी बारीक, और इसके बाद इसी सिलबट्टे में ये जो दाल है इसको पीसेंगे। तो मैं वैसे मिक्सी में भी पीस सकती थी, लेकिन ये दाल ना उतनी अच्छी नहीं पीसती है मिक्सी में, उसमें क्या है ना कि कट सी जाती है। तो जब हम इसकी पूड़ियाँ बनाएंगे तो उतना अच्छे से फूलती नहीं है, इसलिए मैं इसको सिलबट्टे में ही पीसती हूँ हमेशा। तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी सबसे पहले दाल को पीसने के लिए, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी तो फिर ये पीसेगी नहीं और हाथों में फिर दर्द भी होने लगता है सिलबट्टे में पीसने में। तो चलिए इसको गर्मा गर्म ही पीस लेंगे। और यहाँ पर आ गई हमारी मम्मी जी। तो मम्मी जी क्या है ना कि वो इस टाइप का काम जो रहता है ना सिलबट्टे वगैरह में पीसने का, तो वो मुझे बोल देती है कि रहने दो मैं कर देती हूँ और तुम जाओ कोई और काम कर लो। तो मैं मना कर रही थी कि नहीं, आप रहने दीजिए, मैं कर लूँगी। तो मम्मी जी को हमारे ये सब काम अच्छे लगते हैं, मतलब सिलबट्टे में पीसना और बाकी कुछ जिसे सूप से फटकना है, गेहूँ चावल वगैरह साफ़ करना होता है, तो ये सारे काम उनको बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन अब मैं ना उनको करने नहीं देती हूँ, क्योंकि अभी उनकी उम्र हो गई है और उनकी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, इसलिए मैं कोई भी काम नहीं करने देती हूँ। तो बस मम्मी जी चली गई हैं और मैं यहाँ पर पीसने लग गई हूँ दाल को। और इस दाल को पीसने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, बस यही है कि ये ना चिपक जाता है इस पे सिलबट्टे में, तो थोड़ा सा आराम आराम से जो है इसको पीसना होता है। तो बस यहाँ पर जो है सारी दाल हम पीस लेंगे। और ये हमारे MP में कुछ जगहों में इसको दाल पूड़ी के नाम से जानते हैं, और बाकी तो मैं नहीं जानती हूँ UP साइड इसको क्या बोलते हैं। और आप लोग बताइएगा, आप लोग जहाँ से भी हैं तो आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ वैसे दाल की पूड़ी बोलते हैं इसको। और ये ना बहुत पुराने ज़माने की रेसिपी है, हमारे जो दादी परदादी लोग थी उनके ज़माने की रेसिपी है। तो ये हमारी सासू माँ को बहुत ज़्यादा पसंद है, और मम्मी जी अभी कुछ दिनों बाद हो सकता है गांव चली जाएं, तो इसलिए मैं उनकी कुछ पसंद की रेसिपी सोच रही थी कि बना के उनको खिला दूँ। मम्मी जी को मेरे बहुत ज़्यादा पसंद है दाल की पूड़ी। तो चलिए, दाल जो है पिस गई है और मैंने उसको पिस करके और साइड में रख दिया है। इसके बाद मैं बना लेती हूँ सब्ज़ी। और इस दाल की पूड़ी के साथ में ना वैसे तो आम का रस अच्छा लगता है, लेकिन अभी आम का सीज़न नहीं है ना, तो इसलिए हम इसके साथ सब्ज़ी बनाएंगे। सब्ज़ी मैं बना रही थी आलू, बैंगन और टमाटर की, और जो जूस वाली सब्ज़ी होती है वो मैं बना रही थी। तो इसके साथ में सूखी सब्ज़ी वैसे नहीं अच्छी लगती, तो यहाँ पर मैंने सिंपल सी सब्ज़ी ही छौंक दी है लहसुन, हरी मिर्च और थोड़ी सी प्याज से। और फिर इसमें आलू को भून लेंगे, जैसे मैं सिंपल सी सब्ज़ी बनाती हूँ वैसे ही बना रही हूँ। मसाले वगैरह इसमें यूज़ इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये जो दाल की पूरी है ना, इसमें ये जो दाल है इसमें ही मसाले डले हुए होते हैं, तो इसके साथ में सिंपल सी ही सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो देखिए, यहाँ पर दूध भी आ गया था और साइड में पक रहा है, और अभी खाना मेरा कुछ भी नहीं बना था। सुबह का जो भी बना था, मैं बनाई थी साबूदाना की खिचड़ी, आपने पिछले ब्लॉग में देखा ही होगा मेरे। तो इसके बाद फिर मैं यही लग गई थी दाल को पकाने में। और इधर जैसे आलू अच्छे से पक जाएगा, भुन जाएगा, उसके बाद फिर मैं इसमें बैंगन डाल दूँगी। और बैंगन ना थोड़ा सा ख़राब सा हो गया था, मतलब अंदर जैसे ख़राब निकल जाता है ना,
तो वैसे ही निकल गया था। तो यही वजह है कि मैं बैंगन बहुत जल्दी लाती नहीं हूँ। लेकिन अभी मैं मार्केट गई थी जब पिछले सैटरडे को, तो मुझे देख करके लगा कि मैं बैंगन लेकर के जाऊँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था आलू और बैंगन की सब्ज़ी नहीं खाई थी। तो यही वजह है कि मैं नहीं लेकर के आती हूँ। आज भी वही देखा तो उसमें कीड़े लगे हुए थे। तो फिलहाल अभी तो मैंने छांट करके धुल करके उस पर डाल दिया है। और चलिए आलू और बैंगन को अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद इसमें टमाटर ऐड कर देंगे और हल्दी और नमक डाल देंगे। और जब सारी चीज़ें गल जाएंगी तो इसके बाद इसमें पानी डाल देंगे और सब्जी को रख देंगे साइड में। तो जब तक हमारी जो है सब्जी वो पकेगी, इधर जब तक दूध भी बॉयल हो चुका है और साइड वाले गैस चूल्हे में मैंने चावल रख दिए हैं, तो चावल पक जाएगा। और आज मैं दाल नहीं बना रही हूँ, क्योंकि जब ये वाली पूरियाँ और सब्जी बनती है ना, तो फिर किसी को दाल और चावल उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, कोई भी नहीं पसंद करते हैं। तो फिर मैं थोड़े से चावल ही बना दे रही हूँ। तो आलू बैंगन और टमाटर की जो सब्ज़ी है ना, उसके साथ में ये चावल भी अच्छे लगेंगे। तो बस दाल मैंने नहीं बनाई है, चावल रख दिया है पकने के लिए। और इधर जब तक मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, और यहाँ पर देखिए लाइट कट गई, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है लाइट की। तो सारी चीज़ें जब भुन गई थी तो मैंने थोड़ी सी ना मटर बचा के रख लिए थे, जो मैं सुबह साबूदाना की खिचड़ी में डाली थी ना, वही वाले मटर में बचा के रख ली थी, तो इसमें डाल दूंगी। और फिलहाल लाइट आ गई है 15-20 मिनट के बाद। तो चलिए सब्जी को चढ़ा दिया मैंने। सब्जी जब तक बॉयल हो रही है तब तक इधर देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या मिलाते हैं, जो दाल अभी हमने पीस करके रखा है। तो इसमें मैंने मिलाया है धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, नमक और थोड़ी सी हींग का पाउडर डाला है मैंने। और इसमें हींग का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। आप लोग अगर बनाते होंगे ना तो हींग ज़रूर ऐड कीजिएगा इस तरीके से। इसमें हींग के बिना इसका जो टेस्ट है ना, वो अधूरा सा लगता है, तो मैं इसमें हींग ज़रूर डालती हूँ। और साथ ही मैंने डाल दी है थोड़ी सी हरा धनिया ऊपर से। और बस ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं मिलाऊंगी, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा अगर मसाले ऐड कर देंगे तो फिर ये जो दाल का टेस्ट है ना, वो उतना अच्छा नहीं आएगा। तो बस इतनी सारी चीज़ें मिला करके और इसको अच्छे से मिलाएंगे दोनों हाथ से, क्योंकि ताकि ये इसमें नमक और मसाले अच्छे से पूरे दाल में जो है मिक्स हो जाए। तो देखिए मैंने सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स कर दी हैं। और इसके बाद थोड़ा सा मैं इसको चख ली थी कि नमक वगैरह कम या ज़्यादा तो नहीं है। वैसे ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सा कम ही था। तो अगर पहले से इस तरीके से थोड़ा सा चख लो तो पता चल जाता है। और इसके बाद फिर मैं आ गई हूँ इसको बनाने के लिए। और आटा जो इसका मैंने गूँथा था, वो थोड़ी देर पहले ही गूँथ के रख लिया था, ताकि जो इसकी पूरियाँ हैं ना, पराठे, तो ये बहुत ही बढ़िया बने, सॉफ्ट बने। और यहाँ पर मैं सेकती जा रही हूँ और मम्मी जी हमारी जो है वो नीचे बैठ करके बेल रही थी। और मैंने बताया था ना, मेरी मम्मी जी का जो है मन नहीं लगता है जब मैं कुछ इस तरीके की पुरानी वाली रेसिपीज़ बनाती हूँ ना, तो जो रेसिपी मेरी मम्मी खुद बनाई हुई है बहुत पहले से, तो वो चीज़ से फिर उनको रहा नहीं जाता है और वो आ जाती है बनवाने के लिए। तो बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही थी, तो मैंने बोला ठीक है आप बैठ करके और बेल दीजिए, क्योंकि ना कभी कभी मन का करने देना चाहिए और जिस काम को करने से खुशी होती है ना, वो काम करने देना चाहिए। तो बस यहाँ पर मम्मी जी हमारी बेलती जा रही हैं। और ये वाली जो पूरियाँ हैं ना, दाल की पूरी जिसको बोलते हैं, इसको ना जैसे आलू के पराठे बनाते हैं, एक लोई लेकर के और उसमें 2 से 3 चम्मच फिलिंग भर करके, और फिर उसको अच्छे से जो है सूखा आटा लगा करके और पतला बेल देते हैं। तो इसी तरीके से मैं ये दाल की पूरी को बेलती हूँ। और फिर जैसे हम पराठा सेकते हैं आलू का, वैसे ही इसको हम सेक लेते हैं तवे में। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारी जो दाल की पूरियाँ हैं वो मैं सेक रही हूँ। और इसको सेकने के लिए मैंने सरसों का तेल लिया है। तो आप रिफाइंड तेल से अगर सेकेंगे ना, तो उतना अच्छा टेस्ट इसका नहीं आएगा जितना अच्छा ये सरसों के तेल से सिकी हुई रहती है। वैसे तो इसको अलसी के तेल में सेकते हैं, लेकिन अलसी का तेल इतना प्योर अभी मिल नहीं रहा है। सरसों का तेल मेरे पास अवेलेबल था जिससे सब्जी मैं बनाती हूँ, तो मैं इसी से इसको सेक रही हूँ। तो बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। और देखिए कितनी बढ़िया सॉफ्ट सॉफ्ट सी बनी हुई है हमारी जो दाल की पूरी है। तो मैं कुछ इसी तरीके से बनाती हूँ। और जब ये फूल जाती है ना तवे में, तो आप देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा फूल गई है। और ये जब फूल जाती है तो देखकर बड़ा अच्छा लगता है कि
मतलब जो हम रेसिपी बनाए हैं वो बहुत अच्छी बनी है। तो बस इसी तरीके से सारी जो दाल की पूरियां हैं वो बना लेंगे। और ये जो दाल की पूरी है ना, मेरे बेटे को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब सभी को पसंद है, सब लोग खाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पसंद है वो आरुष को है और हमारी सासू माँ को है। तो यहाँ पर सारी जो पूरियां हैं वो बेल करके और सेक लेंगे, मतलब मम्मी जी बेलती जा रही, मैं सेकती जा रही हूँ। और जितना अभी खाना होगा ना उतना ही मैं बनाऊँगी, बहुत ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। हस्बैंड अभी नहीं आए थे ऑफिस से, थोड़ी देर के बाद आ जाएंगे वो, लगभग 2 या 2:30 बजे तक में, तब तक मैं सारा बना करके रख लूँगी। और इसके बाद हम लोग का खाना वगैरह हुआ और फिर मैं आ गई थी यहाँ पर बर्तन साफ़ करने के लिए। तो बर्तन मैं जल्दी से ही तुरंत साफ़ कर ले रही हूँ लंच करने के बाद ही, किचन प्लेटफॉर्म वगैरह सब कुछ मैंने साफ़ कर लिया है। इसके बाद बर्तन साफ़ करके और हम लोग जा रहे हैं आज फिर से कहीं घूमने के लिए। तो जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि हमारी जो मम्मी जी हैं वो अभी आई हैं गांव से और शायद कुछ टाइम के बाद गांव वापस से चली जाएंगी। तो इसलिए यहाँ पर जो जितने भी हमारे रिश्तेदार रहते हैं ना, उन सभी के यहाँ थोड़ा थोड़ा ये होता है कि घूम कर के आ जाते हैं। मम्मी जी को मन था घूमने जाने का, तो वही हम आज हस्बैंड का जैसे हाफ डे होता है ना, शाम को वो फ्री थे तो बस बोले कि चलो ठीक है चलते हैं घूमने के लिए सब लोग। तो बस जल्दी जल्दी से लंच करने के बाद मैंने घर के सारे काम ख़त्म किए और यहाँ पे अब हम लोग रेडी होकर के जा रहे हैं घूमने। और यहाँ पर ना बच्चों की बहुत ज़्यादा फाइटिंग चल रही थी दोनों की, और ये दोनों ना बहुत ज़्यादा ही झगड़ा करते हैं आपस में, मतलब इतना ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा तो आगे वाली सीट में बैठने के लिए होता है। तो आज क्या हुआ कि आरुष का जो वॉच था वो वॉच छूट गई थी ऊपर में ही घर पे, तो आरुष लेने चला गया था, तो अन्या दौड़ करके आई और आगे बैठ गई, वरना हमेशा आरुष ही आगे बैठता है। तो आज अन्या को मौका मिला, तो अन्या बिल्कुल भी मौका नहीं छोड़ी आगे बैठने का, क्योंकि उसको पता था कि भैया बैठ जाएगा। तो बस यही करते करते बच्चे जो हैं झगड़ा करते रहते हैं, कहीं भी जाएंगे तो भी झगड़ा करेंगे, घर पे रहते हैं तो भी झगड़ा करते हैं। तो बस यहाँ पर हम लोग निकल गए हैं और इसके बाद का वीडियो मैंने कुछ भी नहीं बनाया है। और मैं जहाँ पर जा रही हूँ ना, वहाँ पर मेरा जो रिश्ता है वो सर ढकने वाला है, तो हम लोग वहाँ पर गए घूमे फिरे और आए तो थोड़ा सा लेट हो गया था, रात हो गई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर भी नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।